अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सुबह का वक्त है, कड़ती कड़कती धूप है और हम अपने मिनी रूम में आ गए। फुल कड़कती हुई धूप है आज ना, बहुत देर धूप है। और ये देखें दरवाज़ा खोलते हैं बाहर आने की कोशिश, जो कहीं ना मैंने बाहर तो इस वक्त खोलना नहीं है। और जो हमारा मुर्गा बीमार था, मुर्गी वो ये थी इसके नीचे बाहर निकला, देखेंगे ये बेचारी को ना हो गया लकवा। ठीक है, इसको इंजेक्शन लगाया था कि क्या बताइए ठीक हो जाए, लेकिन ना ये ठीक तो हो नहीं पाई। तो अब हमारे पास एक यही हल है, वैसा इसको ना दोबारा करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है, क्योंकि ये देखें अभी अजियत में ही है एक किस्म से। इससे वजह ये मर जाए, ये अभी बस जिंदा इसी वजह से है कि ना ये खा पी रहा है खुद से। अगर इसे खा पी ना रहा होता ना, फिर अभी तक ये जिंदा भी नहीं होता। और देखें इसकी हरकतें, कुछ कोने कुदड़े में चुपके बैठा होता है। और दोस्तों कल मैंने जैसे आपको दिखाया था कल की वीडियो में, उनका एक बच्चा जो था वो निकल आया था माशाल्लाह से। और अब यार ये बड़ा काम होता हूँ एक मिनट, ये देखें दोस्तों अब ठीक है। माशाल्लाह से हमारा जो डॉग है ना वाइट वाला, इसका हाँ, देखें दोनों बच्चे निकला है इसके, कल एक था और आज दूसरा भी माशाल्लाह से निकला है। लेकिन अभी ज़्यादा दौर दबस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि जब बच्चा है ना दूसरा वो आज ही निकला है मेरे ख्याल से ना, तो अभी वो बहुत छोटा है। दूसरा वाला है ना वो फिर कुछ बेहतर है, तो वो मैं आने आपको कल दिखाया था। लेकिन अब मैं शाम को जब आऊँगा ना इंशाल्लाह, फिर आपको ना ये थोड़ा हटे हुए होंगे, तो फिर मैं ना आपको दोनों दिखाऊंगा वो भी अच्छे से इंशाल्लाह। अभी इतना ही देख लें, यही खुश तो भी है कि हमारे दोनों बच्चे निकल आए हैं शहर ऑफिस से। और ये देखें हमारे जो तोते हैं उनकी भी कॉलोनी बना दी थी, ये भी अपने दड़बे में बड़े मज़े से रह रहे हैं। हमारे देखें मुक्की का बच्चा, बस ये इतने प्यारे से निकले। बाकी ये देखें हमारा साल का सबसे अच्छा और महंगा पेड़ यही था, लेकिन क्या करेंगे अंडे इतनी मुश्किलों से दे रहे ना जितनी हजन हो, तो बस सब इनका भी कोई मजबूत करना ही पड़ेगा। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है काफ़ी। खैर अब हम अपने बर्ड्स को सुबह का दाना वगैरह डाल देते हैं, जो काम करने के लिए है वो करते हैं और फिर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से मैंने सारे बर्ड्स वगैरह को अपने दाना डाल लिए और जिन्हें सबने तकरीबन ऑलमोस्ट खा भी लिया है, और थोड़ी लेट हो गई है मैं वीडियो जो बना रहा हूँ। खैर कोई नहीं, बाकी हमारे सारे बर्ड्स ठीक ठाक है, हमारा बर्ड से ये वाला बच्चा भी ठीक है मज़े से बैठा हुआ, बाकी सबको डाल दिया मैंने दाना। ये भी खा रहे हैं, वहाँ तोते भी खा रहे हैं, कबूतर भी खा रहे हैं, और यहाँ भी कुछ बर्ड और भी खा रहे हैं। खैर सुबह का तो यही था ही, बाकी मैं आपको दोपहर को तो नहीं शाम को इंशाल्लाह ऑफिस से आके फिर आपको दोबारा भेज दूंगा इंशाल्लाह। बस ये दूसरी आज की शब्दी है कि दूसरा बच्चा भी निकला है हमारे डॉक्टर माशाल्लाह से। दोस्तों ये देखें हमारा जो बर्ड बीमार हुआ है ना, थोड़ा बहुत बेहतर तो लग रहा है, लेकिन अल्लाह पाक बस से सेहत तंदुरुस्ती दें। ये देखें क्योंकि एक बार मैं ना कूलर बंद कर दूँगा, कूलर भी ना ठीक हो गया, इसको नई डिवाइस लगा दी है। ठीक है, ओ अच्छा इसका कनेक्शन भी ना अंदर से कर दिया शायद, क्योंकि मैं था नहीं, मैं गया था ऑफिस। अब मैं ऑफिस से आया हूँ आज लेट, तो शाम को तो मैं वीडियो बना ही नहीं सका बिल्कुल भी। और देखें मेरे पाँव में ये बेचारा, लेकिन सारा सेटअप यहाँ अंदर हो गया कूलर का ना, ये कूलर माशाल्लाह से चल रहा है बिल्कुल, अब इनको परफेक्ट है। ये भी गीली नहीं होगी और ये फुल अच्छे से ढक दिए घर वालों ने, बिल्कुल परफेक्ट काम कर दिया मतलब कि ना इसका। और मुझे लग रहा था ये कबूतरी ना अंडा दे देगी,
और इसने दोबारा से अंडा दे दिया। हालांकि इन्हें कुछ दिनों पहले अंडे दिए थे लेकिन वो मैंने वेस्ट कर दिए थे, अब दोबारा इसने अंडा दे दिया। तो मैं देखता हूँ इसका क्या सीन करना है, या तो रखे रहने देते हैं, कुछ नहीं होता। और ये देखें माशाल्लाह से ये भी हमारा बिल्कुल, यानी कि ना बस मैं ऑफिस था तो घर वाला ने सब कुछ धो दिया। और एक और गुड न्यूज माशाल्लाह से जो हमारी ये वाली कबूतरी है मैना, इसने भी अंडा दे दिया। इसकी बड़ी वो थी कि अंडा ये देते किसी तरीके से, मैं इसकी एक पिक्चर बनाता हूँ। ओहो एक सेकेंड, हाँ आप देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से दोस्तों इसने अंडा दे दिया। और इसने अब परफेक्ट जगह पर अंडा दिया है, उम्मीद है ये पांचवी बार इसके अंडे हैं और ये ना अब ठीक रहेंगे। ये पहले देती थी बाहर, तो ये पिछले हफ्ते अंडे देने लगी थी तो मुझे थोड़ा पता तो लग ही गया था, तो लेकिन फिर मैंने ना इसे एक हफ्ते से ना बंद कर दिया अंदर, ताकि ना ये अंदर ही किसी तरीके से अंडे दे दे, बाहर ना दे और ये लग ही नहीं रहे। ये देखिए मैंने बंद कर दिया इसे, इन्हें अंदर बंद करने की वजह यही थी कि ना ये एक दफ़ा अंडे देते अंदर और इनके बच्चे निकल आए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार इन्होंने अंडे तो प्रॉपर दे दिए, एक दिया एक कुछ दिनों बाद दे देगी तो इसके भी बच्चे प्रॉपर कुछ दिनों बाद निकल आएंगे। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे खाल वाला पेयर, ये बैठे आराम से, ये घोंसला आप देखें कहाँ पर बना रहे हैं, ऊपर वहाँ पर अंडा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे अच्छा वाला घोंसला बना के फिर ऊपर बनाने शुरू कर दिया। समझ से बाहर है मेरी, और पूरे रूम की सफाई वगैरह हो गई है। देखें हमारा सारा दाना इन बॉक्सेस के अंदर रहेगा, वेस्ट वगैरह नहीं होएगा बिल्कुल भी माशाल्लाह से। ये देखें इसके अंदर भी घर वालों ने रख दिया था, क्योंकि आज मैं ऑफिस में था तो सारा का सारा काम घर वालों ने ही कर दिया, शुक्र अल्लाह पाक का। बस कोई बात नहीं, कभी कभी चलें। खैर माशाल्लाह से हर एक चीज़ अब फिट है, तो बस मैं आपको अपडेट वगैरह देने आया था कि हमारे बस। और मुझे दो कुछ खबरियाँ भी नज़र आ गई कि हमारे इसने भी अंडा दे दिया, इस कबूतरी ने भी, और साथ ही साथ उस वाली कबूतरी ने भी अंडा दे दिया। और मैंने आपको जैसे सुबह दिखाया था कि इस कबूतरी इसके भी दो बच्चे हैं, दो बच्चे थे। ओहो एक बच्चा दोस्तों अब इसका, दूसरा बच्चा ये पड़ा हुआ, ये देखें पता नहीं जिंदा है हमारा भैया, मुझे नहीं पता लेकिन एक बार मैं देख लूँ। ये देखें बड़ी एहतियात से इसको ना मैंने यहाँ से निकाल तो दिया, गिर गया था ये नीचे, अभी लाल लाल बहुत ज़्यादा दिख रहा है लेकिन इतना लाल है नहीं, लेकिन अभी मैंने देखा गर्दन वगैरह खिला रहा है तो बचत है, बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेंगे कि ना ये बिल्कुल बचा हुआ हो। ओहो एक मिनट में देख लूँ सही है या नहीं, अभी बताइए। जैसे मैं इसे हिला रहा हूँ ना तो ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, बाकी इसके ना थोड़ी चोट नहीं तो काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी है, अभी बिल्कुल आज का ही सुबह का बच्चा है, तो बाकी अल्लाह ख्याल करे। बाकी हमारी ये डब वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक तो हैं, बस अल्लाह ख्याल करे अब कि ना दूसरा बच्चा वेस्ट ना हो, ठीक रहे, क्योंकि ना इतने दिनों बाद निकले और साथ कोई हादसा हो जाए फिर तो बड़ा दुख होता है आपको पता है। फिर खैर आज की वीडियो हम फिर यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।